नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं गुड लक टिप्स। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दर्शकों, सावन का दूसरा सोमवार है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद यही करेंगे कि आपके जीवन में भगवान शिव खुशियां भर दें, आपके जीवन में सफलता ही सफलता आए। लेकिन आज सावन का सोमवार तो है ही, लेकिन उसके साथ सोम प्रदोष भी है। तो सोम प्रदोष और सावन के सोमवार का ये दुर्लभ संयोग किस तरह से आपके लिए लाभकारी हो सकता है, आपके जीवन भर में आपको सफलता ही सफलता मिल सकती है, जो चाहे वो कामना पूरी हो सकती है, तो बताएंगे आज इस खास दुर्लभ संयोग में क्या कुछ उपाय आपको करने हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव। तो चलिए भगवान शिव का नाम लेकर शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले शुभ संयोग जान लेते हैं। गुड लक ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज बने दुर्लभ संयोग में किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइएगा। पहले जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। आज दिनांक 29 जुलाई सन 2019 को सावन का दूसरा सोमवार है। साथ ही आज सोम प्रदोष व्रत भी आज ही किया जाएगा और साथ ही साथ आज सूर्योदय से शाम को 6:22 तक अमृत सिद्धि योग बना हुआ है और साथ में सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग भी बना हुआ है। अतः आज श्रावण वन सोमवार, सोम प्रदोष व्रत, अमृत सिद्धि योग एवं सर्वार सिद्धि योग नामक अति शुभ योग में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, पूजा करना, व्रत करना, उपाय करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आज भोलेनाथ की पूजा से मानसिक शांति मिलने के साथ ही कई तरह की आपकी जो परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे मानसिक है, खत्म हो सकती है। सोम प्रदोष के व्रत, पूजन और उपाय से शत्रुओं पर जीत मिलती है, दुर्भाग्य दूर होता है। महर्षि सूत जी के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने से महादेव से सभी इच्छाओं की पूर्ति का वर प्राप्त होता है, मानसिक विकार दूर होते हैं, जमीन जायदाद में लाभ प्राप्त होता है। आज संध्या काल में शिवालय जाकर सफेद शिवलिंग का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कीजिएगा, गौघ्रत का दीप दान कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा, सफेद कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा, सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाइएगा, रात रानी का इत्र चढ़ाइएगा, चावल की खीर का भोग लगाइएगा और पूजन के बाद भोग किसी गरीब कन्या को खाने को दे दीजिएगा। निश्चित तौर पर आज इस प्रकार आपकी की गई पूजा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, आपको जीवन में हर कदम पे सफलताओं को प्रदान करेगी। बिल्कुल, तो ये खास दुर्लभ संयोग है, विशेष संयोग है, बार बार जीवन में ये नहीं आते हैं, तो इस संयोग का लाभ आप उठाइएगा। और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी विशेष चर्चा का। सावन के सोमवार और सोम प्रदोष का महासंयोग दुर्लभ योग में होगा हर काम संभव। भगवान शिव करेंगे हर इच्छा पूर्ति, सोम प्रदोष पर होगी हर मनोकामना पूरी। जानिए चमत्कारी उपाय गुड लक टिप्स में। बिल्कुल, तो आज सोम प्रदोष और सावन का सोमवार दोनों का दुर्लभ संयोग बना है और इस दुर्लभ संयोग में आप अगर चाहते हैं कोई भी आपकी मनोकामना है तो वो आज बिल्कुल पूरी होगी। लेकिन आज पंडित जी जो आपको चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं वो उपाय आप कीजिएगा। तो पंडित जी शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज ऐसे दुर्लभ संयोग में किए जाने वाले कुछ महा चमत्कारिक उपाय। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संपत्ति में लाभ प्राप्ति के लिए। आज सोम प्रदोष और सावन का दूसरा सोमवार, अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग ऐसे शुभ योग में
अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, धन लाभ के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट के लिए, संपत्ति में वृद्धि के लिए आज शिवलिंग पर काजू अर्पण कीजिएगा। और शिवलिंग पर अर्पण किए हुए काजू में से 4 काजू घर में लाकर आपके घर की या ऑफिस की, आपके फैक्ट्री की, आपके शॉप की वायव्य कोण में उसको एक पोटली में बांधकर रख दीजिएगा। इतना बरसेगा धन कि आपके लिए संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। 4 काजू भोलेनाथ के ऊपर, सिर्फ 4 ही नहीं चढ़ाने हैं, 1 मुट्ठी काजू कम से कम भोलेनाथ के ऊपर अर्पण करने हैं, उसमें से 4 काजू घर लेकर आने हैं और घर के वायव्य कोण में उसको छुपा कर रखना है। खूब धन बरसेगा, संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत सरल उपाय है, करिएगा। आज सोम प्रदोष का दिन है, सावन का सोमवार है। अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर चढ़ा रात रानी का इत्र घर पे ला के छिड़किएगा। आपके घर के अंदर जितने भी वास्तु दोष है स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आपके घर में जितनी नेगेटिविटी है स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आपके घर पे जो मांगलिक कार्यों पे रोक लगी है स्वतः ही दूर हो जाएगी। शिवलिंग पर रात रानी का इत्र चढ़ाकर घर लाना है और छिड़कना है, बड़ा सरल उपाय, करके देखिएगा। आज सावन वन सोमवार और साथ में सोम प्रदोष के दिन मानसिक विकार से मुक्ति के लिए, डिप्रेशन से मुक्ति के लिए, नेगेटिव अप्रोच से मुक्ति के लिए, नकारात्मक सोच से मुक्ति के लिए अक्षत शिवलिंग पर अर्पण कीजिएगा। बगैर टूटे हुए जो चावल है, 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पण कीजिएगा। जितना आपका मानसिक विकार है, मेंटल डिप्रेशन है, नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच है, अप्रोच है, स्वतः ही दूर हो जाएंगे, करके देखिए। आज सोम प्रदोष के दिन, सावन के वन सोमवार के दिन शिवलिंग पर भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से न केवल नकारात्मकता दूर होती है बल्कि रुकावा धन अगर कहीं है तो उस धन की भी प्राप्ति होती है। 1 मुट्ठी चावल यदि आप अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होती है, कहीं रुकावा धन है तो वो आपको प्राप्त होता है। सोम प्रदोष के दिन, सावन के वन सोमवार के दुर्लभ संयोग में शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। यदि आपके जाने अनजाने में संचित पाप कर्म है, मनुष्य जीवन है, पाप हो ही जाता है, मन से, नजर से, वाणी से कहीं ना कहीं हम पाप कर बैठते हैं, तो आज उस पाप से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज शिवलिंग पर तिल अर्पण कीजिएगा, आपके ज्ञात अज्ञात सभी पापों का नाश हो जाएगा। वहीं आज शिवलिंग पर जौ अर्पण करने से, शिवलिंग पर 1 मुट्ठी जौ अर्पण करने से आपके जीवन में, आपके घर में सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होगी। वहीं आज सोम प्रदोष का दिन, सावन का दूसरा सोमवार, अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग, ऐसे शुभ संयोग में शिवलिंग पर गेहूं अर्पण करने से संतान वृद्धि होती है। हमारे वो दशक जो संतान की कामना रखते हैं, जिनकी लाख इलाज के बाद बावजूद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आज का दिन आपके लिए विशेष है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना कीजिएगा और उसमें विशेष तौर पर भोलेनाथ को गेहूं अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पर वंश वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, तो गेहूं चढ़ाइए, जो चढ़ाई है, तिल चढ़ाइए या फिर अक्षत यानी चावल चढ़ाइए, भगवान शिव आज बेहद प्रसन्न होंगे क्योंकि सोम प्रदोष भी आज है। सोम प्रदोष का खास संयोग आज सावन के सोमवार पर पड़ा है तो उसका पूरा लाभ आप उठाइएगा और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान भी हम आपको बता रहे हैं, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हरिओम अलवर से जुड़ गए हैं। 22 जनवरी 1997 डेट ऑफ बर्थ और 10:10 का रात का समय। हरिओम जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है? जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं सीए बन गया तो मुझे मालूम करना है, मुझे नौकरी पेशे में आगे जाना चाहिए, अपना करियर ऑफिस बना के आगे जाना चाहिए।
क्या बेटा आपकी आवाज़ साफ नहीं आई, वापस बोले। मुझे नौकरी पेशे में आगे बढ़ना चाहिए या फिर खुद का ऑफिस बना के आगे बढ़ना चाहिए? लॉ सेक्टर में, खुद का व्यापार या नौकरी में? अच्छा, ऐसा है बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपका खुद का व्यापार आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, क्योंकि नीच का गुरु होके आपके लाभ स्थान में बैठा है। यू कैन बी अ गुड मैनेजर बट यू कांट बी अ गुड प्रॉप राइटर। तो अभी हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, उसमें भी अभी शनि की मादशा और सूर्य का अंतर आपको दिसंबर 2019 से आपको शुरू होने वाला है। 2022 तक का समय खुद के व्यापार के लिए अच्छा नहीं है, 2020-21-22, इसलिए 3 साल सिर्फ आपको नौकरी के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी अपनी नौकरी के ऊपर कंसंट्रेट करें, 2022 के पश्चात में अपने व्यापार के लिए सोचें। बाकी आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं नीच का जो गुरु है, उसके लिए हर गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का ओम श्री हरे नमः या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें 11-21 बार, नियम बांध लीजिए उसका। केले के पौधे के वृक्ष में जल का अर्ध प्रदान करें और शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और गुरुवार का फास्ट रखें। बिल्कुल, तो हरिओम जी आपको कुछ टिप्स बताए हैं आपकी जो कुंडली है उसके अनुसार, तो आप प्लीज़ जो वो टिप्स पंडित जी ने दिए हैं वो टिप्स कीजिएगा। और दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान आपको जानना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आपकी समस्याओं के साथ ही साथ आज जो हम विशेष चर्चा लेकर आए हैं वो है कि भगवान शिव को आज कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि सोम प्रदोष भी है, सावन का सोमवार भी है। तो उपाय हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ भगवान शिव के दर्शन भी हम करवा रहे हैं। तो भगवान शिव के दर्शन के साथ पंडित जी दर्शकों को आज उपाय आगे भी जानना चाहेंगे क्या? चूँकि आज सोम प्रदोष है, सावन का वन सोमवार है और उसके साथ में अति शुभ योग भी बने हुए हैं, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे, ये तू तू मैं रोज के झगड़े खत्म हो, तो आज 5 लाल गुलाब के पुष्पों को, 5 लाल गुलाब के पुष्पों को गुलाबी धागे में पिरोइएगा और पति पत्नी दोनों मिलकर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 27 बार बोलकर वो जो 5 गुलाब के पुष्पों की जो माला है गुलाबी धागे में पिरोई हुई है भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी, प्रेम बढ़ेगा। किसी निर्धन कन्या के विवाह में कुछ खाने की सामग्री का दान अवश्य कीजिएगा। आपकी मैरिड लाइफ में जितने उतार चढ़ाव हैं वो खत्म होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और मैरिड लाइफ जो है सुख में बनी रहेगी और खुशियों से भरी रहेगी। रोग से मुक्ति पाने के लिए, अगर आप किसी गंभीर कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, मृत्युशैया पर पड़े हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के रोग से मुक्ति चाहते हैं, गंभीर रोगों से मुक्ति चाहते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, तो आज सोम प्रदोष पे आपको मुक्ति मिल सकती है। कैसे? सफ़ेद चंदन में गंगा जल मिलाकर उसका लेप शाम के समय भगवान शिवलिंग के ऊपर कीजिएगा। सफ़ेद चंदन से पूरा भगवान शिव को रंग दीजिएगा। गौ माता के घी का दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र तंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का 108 बार बैठकर भोलेनाथ के समक्ष प्रदोष काल में जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर कैंसर हो चाहे कैसी भी गंभीर बीमारी क्यों नहीं हो, उस गंभीर बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे उन दशकों के लिए जो सरकारी नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, चाह रखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आज सोम प्रदोष का दिन और सावन का दूसरा सोमवार, उस पर की गई आराधना भोलेनाथ आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आज प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय भगवान शिवलिंग को जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान कराइएगा, अभिषेक कीजिएगा। शुद्ध चंदन का इत्र भोलेनाथ के ऊपर अर्पण कीजिएगा, देशी घी का दीपक उनके समक्ष जलाइएगा और अपनी मनोकामना, अपनी सरकारी नौकरी में आ रही अड़चनों को दूर करने की प्रार्थना करके उनका
आशीर्वाद लीजिएगा, देखिएगा अगले सावन से पहले 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 आपकी नौकरी लग जाएगी। तो सरकारी नौकरी आप चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी से हो जाए, तो ये कुछ उपाय पंडित जी आज बता रहे हैं जो सोम प्रदोष और सोमवार के दिन आप खास तौर पर कर सकते हैं। तो आगे भी कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे, साथ ही भगवान शिव के भी दर्शन हम आपको करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम आपको बता रहे हैं एक दुर्लभ संयोग यानी सोम प्रदोष और सोमवार के खास संयोग में आपको क्या उपाय करने हैं। पंडित जी, कई बार घर में नेगेटिविटी होती है या फिर ऑफिस का काम जो होता है वो सही से नहीं चल रहा होता है, तो ऐसे क्या उपाय आज हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आज ऐसे दुर्लभ संयोग में अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सुख समृद्धि और खुशियों का भंडार यदि भरना चाहते हैं, आपके लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहे, जीवन में खुशियाँ बनी रहे, आनंद बना रहे, तो आज किसी सुपात्र ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा का दान कीजिएगा, अन्न का दान कीजिएगा, धन का दान कीजिएगा। अगर संभव हो तो तांबे के बर्तन में अन्न और दक्षिणा दोनों रख कर वो दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके जीवन में धन, अन्न, खुशियों का हमेशा भंडार भरा रहेगा। वही अगर आप अपने ऑफिस में अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑफिस में आप नेम एंड फेम बने, तो आज के दिन भोलेनाथ आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे? आज के दिन शिवलिंग पर जल की धारा अर्पण करते हुए ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर नेम एंड फेम बनेंगे। वहीं यदि अगर आपको अपने घर परिवार से हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, अपने काम के प्रति संतुष्ट बने रहना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करनी होगी। आज के दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी होगी, और पूजा अर्चना के पश्चात तुलसी की पत्ती को बगैर चबाए उसका सेवन करना होगा, और परिवार के सभी सदस्यों के मध्य प्रसाद के रूप में तुलसी की पत्ती बांटनी चाहिए, लेकिन चबाना किसी को नहीं है। आपके घर में हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर आप अपने प्रेम संबंधों में, अफेयर्स में मिठास बनाए रखना चाहते हैं, चाहे आपका दोस्त का संबंध हो, पति पत्नी का हो, किसी भी तरह का संबंध हो, उसमें मिठास बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर शहद अर्पण करना चाहिए। शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशंस में शहद जैसी मिठास हमेशा घुली रहेगी। बिल्कुल, तो बिना खर्चे के आसान से उपाय ये हैं जो आज आप जब भगवान शिव को, भोलेनाथ को प्रसन्न करने जाएं, तो ये उपाय करते रहिएगा, भगवान जरूर खुश होंगे। और दर्शकों, साथ ही साथ आज हम आपको भगवान शिव के दर्शन भी करवा रहे हैं, तो दर्शन करते रहिए और इस व्रत को जो सोम प्रदोष के दिन आप करने वाले हैं उसका लाभ उठाइए। पंडित जी, व्रत बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब हम सोम प्रदोष का व्रत करते हैं उसके लाभ क्या रहते हैं वो जानना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि पंडित जी व्रत क्यों करें,
और करें तो हमें क्या फ़ायदा, क्योंकि इस कलयुग में आज आप और हम जो भी काम करते हैं वो नफ़ा नुकसान देख के करते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे लाभ क्या होगा। तो मैं बताता हूँ कि आपको सोम प्रदोष व्रत का लाभ क्या होगा। भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है, जीवन में किसी प्रकार का किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। जो आज के दिन भोलेनाथ की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। और अंत में भोलेनाथ के श्री चरणों का प्रसाद प्राप्त होता है। आर्थिक संकटों फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए हर इंसान को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, चाहे सोम प्रदोष हो चाहे कोई भी प्रदोष व्रत हो। सोम प्रदोष तो विशेष है ही, लेकिन प्रदोष व्रत करना शुरू कर दे आपके जीवन में कभी धन का संकट नहीं आएगा। सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं, बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आ जाती है। वहीं अविवाहित युवक और युवतियों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही, रुकावटें आ रही हैं, तो आज से ही प्रदोष व्रत का नियम ले लीजिए। जरूरी नहीं सोम प्रदोष, कोई सा भी प्रदोष हो, प्रदोष का व्रत आपको करना है। आप देखिएगा सुयोग्य जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, प्रेम करने वाला, आपके ऊपर न्योछावर होने वाला जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। कहते हैं कि भगवान शिव ज्ञान के दाता है, मोक्ष के दाता है, अध्यात्म की राह पर चलने की चाह रखने वालों को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष का व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में आपकी मदद कर सकता है। बिल्कुल, तो आप अगर आज आपने सोचा नहीं है प्रदोष व्रत करने का तो बिल्कुल ठान लीजिए और आज व्रत कर ही लीजिए। और पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं, आज का द्विवर मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे। आइए जानते हैं आज सोम प्रदोष का महादिव्य मंत्र। ओम श्रीम सोमेश्वराय नमः, ओम श्रीम सोमेश्वराय नमः, ओम श्रीम सोमेश्वराय नमः। लाभ क्या है? आज के दिन शिव मंत्र का लगातार मानसिक स्मरण करने से, मानसिक जाप करने से आपकी सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तकलीफों, कष्टों, इन सब से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, इतने सारे उपाय बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को सावन वन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, आप हमें सोमवार से शनिवार कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, इस सोमवार के दिन को, सोम प्रदोष के दिन का पूरा लाभ उठाइए। नमस्कार।